लाइव देखते हैं आज की खास खबर। प्रफुल्ल पटेल पर विकास की दिखी थी उम्मीदें, लेकिन पटेल भी नहीं उतर पाए थे खरे। आइए देखते हैं उमर पायली ग्राम, जो कि गोंदिया भंडारा लोकसभा के 63 विधानसभा क्षेत्र में आने वाला मोरगांव और जूनी तहसील का गांव है। यह गांव लगभग तहसील से 40 किलोमीटर दूर है के पास, लगभग जंगल में 10 किलोमीटर दूर अति दुर्गम जो इलाका है उमर पायली करके इस गांव में पहुंचे हैं। और इस उमर पायली गांव में मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं जो यहां की समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यह लोग इन समस्याओं को जो सुलझाएगा उसी को यह मतदान करेंगे। तो हम उनसे अभी चर्चा करते हैं इन गांव वालों से। और इस गांव में नालियां वगैरह है या रोजगार वगैरह के एक बारे में बताइए आप हमें। रोजगार तो नहीं है ना सर। रोजगार अभी नहीं है, रोजगार हमी के काम चालू हो गए होंगे तो रोजगार तो है ही नहीं। अभी 16-17 वर्ष हो गए यहाँ पे, रोजगार का कोई है नहीं लगभग। अभी जैसा इन्होंने बताया कि इस जगह रोजगार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, रोजगार हमी के जो काम है वो अभी तक के शुरू नहीं किए गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि रोजगार हमी के काम कब से नहीं शुरू हुए हैं। बहुत 20 वर्ष होती रोजगार हमी चे काम मुद्दा मुड़ीच नहीं झाले आहेत आपल्या गाँव। इस गाँव में आज तक के रोजगार हमी के तौर पर जो काम करती है सरकार, वो काम के काम एक भी काम इस गाँव में पिछले 20 वर्षों से नहीं हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। और इस गाँव में समस्याओं का जो आलम है, और इतने दुर्गम इलाके में ये लोग, लगभग कितने लोग होंगे इस गाँव की बस्ती। 2014 के चुनाव में पटेल को नकारते हुए लोकसभा के चुनाव में नाना को लोकसभा क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ चुन कर दिया था, लेकिन इनके भी सपने शीशे के टूटने जैसे चकनाचूर हो गए। आइए देखते हैं इस गांव में किस तरह अंधेरा छाया हुआ है। योजना की जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है वो इस गांव में अभी तक पहुंचने की है, लेकिन हम इस जगह पहुंचे जरूर हैं। हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस गांव का डेवलपमेंट हो और इस ये गांव भी विकास की मुख्य धारा में चले, और ताकि देश के जो राजनेता कहते हैं कि हमने घर घर बिजली पहुंचा दी है, घर घर आवास योजनाएं पहुंचा दी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है यह अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इस गांव में सारी चीज़ें जीरो है। अगर इस जगह इस गांव का आज लगभग है और इस जगह में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बिजली वगैरह रहती है कि नहीं रहती? रहते पण जेव्हा लाईट जाते ना तेव्हा मग येत नाही, एक दोन दिवस। लगभग इस गांव में लाइन है, लेकिन लाइन जब इस गांव का पावर कट होता है तो लगभग 3-4 दिन लाइन इस गांव में आती नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और इस गांव में आज के तारीख में लाइन अगर चली जाती है तो सारा गांव अंधेरे में रहता है। तो आपको फिर मट्टी तेल वगैरह मुहैया करा देते हैं कि कैसा क्या है? नहीं, आता गैस मिळाले तर कोणा कोणाला लाभ मिळत नाही, आणि ज्याचे गैस आहेत त्याला नहीं मिलत ना, ज्याचे नहीं आए त्याला मिळतात। फिर आप लाइन जाती है तो दिया कैसे जलाते हैं? हवाचा तेल। देखिए, खाने के तेल से इस गांव के लोग मजबूर हो गए हैं, मट्टी तेल नहीं मिलने के वजह से। घासलेट इनको इस गांव में मिलता नहीं है, और घासलेट के न मिलने की वजह से इन्हें खाने के तेल को जलाकर दिया जलाते हैं। लगभग गांव का अंधेरा, जब गांव में बिजली चली जाती है और गांव में जब अंधेरा होता है तो ऐसी परिस्थिति में गांव वाले खाने के दिए के तेल जलाकर अपने घर को रोशन करते हैं। देखा, यह है गोंदिया भंडारा लोकसभा का विकास, जो कि विकास से कोसों दूर है, और ऐसी स्थिति में नाना नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब देखना यह है कि गोंदिया भंडारा में कितना विकास रुका है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस ऐप डाउनलोड करें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।